वेलकम टू माय चैनल आई एम सिमर सहानी आज आपको पढ़ाऊंगी जैसे कि आपको पता चल रहा है हमारी सीरीज चल रही है हमारे इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जहां मैं आपको थोड़े से डिफिकल्ट इस साल के पैटर्न के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करा रही हूं जो मैंने बनाए हैं पिछले पाँच से छः सालों के सी बी एस ई स्टडी मटीरियल और पी वाई क्यू उसको सर्च करके ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में तुम्हारी बहुत मदद करने वाले हैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए यू विल बी एबल टू आंसर इट तो फॉलो अप करते रहो इस सीरीज को अगर आज से पहले ये वाले चैप्टर्स के नहीं पढ़े ऐसे पहले चैप्टर्स के इससे बाद वालों के तो जल्दी पढ़ लो क्योंकि मैंने तो सभी अपलोड कर दिया है मैंने कर दिया चैनल पर कॉन्टेंट की बारिश ठीक है तुम्हें तो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे लॉन्ग शॉर्ट एक्सट्रैक्ट ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी है एनिमेटेड कंटेंट भी मैंने अपलोड कर दिया और बिना एनिमेशन का भी है ऑब्वियसली जो मुझे ज़्यादा पसंद है सिंपल में आके आपको पढ़ा रही हूँ ठीक है एनिमेटेड कंटेंट भी है और आप लोगों की वीडियोस भी हैं और कोई और इफ़ यू वॉन्ट अच्छा हाँ नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए अब तो मैंने आपको गूगल ड्राइव पर तो मैं तो अपनी तरह से पूरी कोशिश करी हूँ कि तुम्हारा पेपर ड्राइब बिल्कुल बढ़िया ठीक है कि तुम डरो ना कि भाई ये चेंज हो गया ये चेंज हो गया मुश्किल है नंबर लाने नहीं भाई अगर मेरे से पढ़ लो तो बहुत आसान है आपको अपने इंग्लिश एग्जाम में सौ में से सौ लाने में तो चलो ऐसे ही अब पढ़ते हैं हम द रैट ट्रैप जो मेरा फेवरेट चैप्टर है फिल्मेंगो बुक के उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी तो पहला क्वेश्चन है वाई डिट पेडलर डिराइव प्लेजर फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप उसे क्यों मजा आता था सोच सोच के कि भाई दुनिया तो रैट ट्रैप है क्यों सोचता था भाई सब ऐसा तो पेडलर ने एक आइडिया बनाया था दैट वर्ल्ड है एक रैट ट्रैप वर्ल्ड हमारे को ऑफर करता है जैसे चूहे के पिंजरे में क्या लगाई जाती है लालच बेट कहते हैं उसको इंग्लिश में चूहे के लिए एक लालच रखते हैं हम रोटी रोटी पे लगाते हैं घी या फिर मक्खन ब्रेड पे मक्खन घी और वो आता है और खाता है उसे और बंद हो जाता है फिर हम घर से बाहर छुड़ाते हैं तो वो कह रहे हैं ऐसी पूरी दुनिया है ये वर्ल्ड ये पेड़ ये पौधे ये जंगल ये रैक है और ये पूरा वर्ल्ड हमें क्या प्रोवाइड करता है खाना पैसा बंगला गाड़ी कि हम इन चीज़ों के पीछे भागे और जैसे ही हम इन चीज़ों के पीछे भागते हैं ये रैट रैप शट हो जाता है ये वर्ल्ड हमारे ऊपर बंद हो जाता है कोई ना कोई मुसीबत शुरू हो जाती है यानी कि ये तो वो कहता है कि इसलिए जब भी वो जो है खाली बैठा होता था भाई ये तो इसका कोई परिवार वाला तो था नहीं ना घर है ना मकान है इस पर सड़कों पे फिरता रहता था इधर से उधर बहुत पॉवर्टी में था कुछ काम भी नहीं था करने के लिए इसलिए लोगों से जलता था ये तो जब भी ये खाली होता था तो ये सोचता था उसकी लाइफ में भी ये बुरा हुआ था उसकी लाइफ में भी ये बुरा हुआ था हाँ उसके साथ भी ऐसा हुआ था तो कहीं ना कहीं से सेटिस्फैक्शन मिलता था लोगों की बुरी हालातें सोच के डन चलो भाई अगला पढ़ते हैं इफ़ द क्रिसमस स्पिरिट इज़ अबाउट सेल्फलेसनेस अगर क्रिसमस का मतलब है सेल्फलेस होना कि अपने बारे में मत सोचो लोगों की परवाह करो लोगों को माफ़ करो और अपना बेटर वर्जन बनो तो क्या एडला ने उसको बिल्कुल जस्टिफाई करा है कि एडला ने क्रिसमस को अच्छे से सेलिब्रेट करा तो यस एडला बहुत ही ट्रस्टिंग और कंपैशनेट है एडला के आगे ये दो कीवर्ड्स वर्ड्स देख लो एडला ट्रस्टिंग थी और कंपैशनेट थी शी वांटेड द पेडलर टू इन्जॉय एंड बी एट पीस वो चाहती थी कि जो पेडलर है पेडलर मतलब चलता रहता है जो पूरी ज़िंदगी ना घर है ना मकान है ना वाइफ है ना बच्चे हैं तो ये इंसान एक दिन चैन का जी पाए शी डो नॉट वॉन्ट टू टर्न अवे द ग्रेस्ट ऑन क्रिसमस ईव कि वो नहीं चाहता था कि क्रिसमस पे से मेरे घर से मैं किसी को भगा दूँ क्रिसमस का तो मतलब ही है लोगों की मदद करना और उस दिन मैं इस गरीब को अपने घर से भगा दूँ इट वॉज हर गाइन जेस्टर टू रिफॉर्म द पेडलर और ये इसके कितना बड़ा एक रोल निभाया उसने उसने एक गरीब इंसान को एक ऐसा इंसान जो तो चोरियाँ करता है उस तक को उसने बदल दिया अपने काइंड से। वो कहते हैं मैंने मेरे पापा ने इन्हें जबरदस्ती प्रॉमिस करके लाया तो हम क्यों अपना प्रॉमिस तोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द पेडलर नॉक ऑन द कॉटेज बाय द रोड साइड हाउ वॉज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज तो वो जो है पेडलर जो है पूरा दिन घूमता रहता है वो बहुत थक चुका था बहुत भूख लग रही थी बहुत ठंड का दिन था इसलिए उसने रात हो गई थी बिल्कुल अंधेरा हो चुका था तो उसका मन करा किसी के घर पर शेल्टर ले लेता हूँ कोई मुझे मदद कर दे दैट्स वाई नॉक डाउन द कॉटेज बाय द रोड साइड और जो है वहाँ पे क्रॉफ्टर आता है क्रॉफ्टर उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है खाना खिलाता है शेल्टर देता है और पत्ते पत्ते भी खेलता है उसके साथ बैठ के एंड फाइनली वो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है क्रॉफ्टर अंकल वर्ट डू वी लर्न ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स नेचर क्रॉफ्टर का नेचर आपको बताना है कैसा है तो वो एक हम्बल इंसान है हॉस्पिटेबल है उसने जो हमारा वेगाबॉन्ड था उसकी बहुत मदद करी उसको खाना भी खिलाया बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन है लोगों पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट कर लेता है कि भाई अपनी घर की भी बातें बताने लग गया तो ये उसने गलत करा था बाकी तो वो एक बहुत अच्छा इंसान था क्वेश्चन ये क्वेश्चन लॉन्ग में शॉर्ट में तो नहीं आएगा बट ये जो आपके एक्सट्रैक्ट भी इस क्वेश्चन है ना उसके एम में आपकी मदद कर सकता है हाउ हैज़ द ऑथर यूज द एलिमेंट्स ऑफ नेचर टू री इन्फोर्स द आइडियाज़ इन द लेसन रैट रैप उन्होंने नेचर जैसा जैसा शो करा रात हो रही है फॉरेस्ट बहुत घना जंगल भूल भुलैया सा इससे वो क्या दिखा रही हैं चैप्टर में तो इससे उन्होंने चैप्टर में और ना ऐड करी है बढ़िया बढ़िया फीचर्स जैसे कि सबसे पहले वो कहती है कोल्ड दिसंबर नाइट अब अगर हम आपको लिटरेरी डिवाइस के हिसाब से मैं बताऊं पोइट्रिक डिवाइस के हिसाब से तो विंटर को कहीं ना कहीं डेथ जैसे माय मदर एट सिक्सटी सिक्स में बताया था विंटर इज इक्वल टू डेथ इन पोइटिक एंड लिटरेचर लैंग्वेज तो कहीं ना कहीं मरने ही वाला था ना वो तो इतनी ठंड में बाहर घूमता घूमता और उसकी लाइफ भी ऐसी ही थी भाई भूखा प्यासा कभी खाना मिल जाए तो जिंदगी गुजार पा रहा था राइटर तो कोल्ड डिसम्बर नाइट से वो कहीं ना कहीं डेथ शो कर रही थी ठीक है साथ ही के साथ में डेंस फॉरेस्ट जो था डेंस फॉरेस्ट से वो क्या दिखा रही है प्रिजन वो पेडलर के लिए वो जेल में पुलिस ने तो नहीं पकड़ा बट वो फॉरेस्ट ही उसका जेल बन चुका था उस समय पे स्टॉर्मी नाइट एट द रैम्स टू तो आयरन मिल आयरन मिल पे जब वो रुकता है बहुत तूफान हो रहा था बहुत ठंड थी और वो वहाँ अंदर जाता है वो क्या दिखता है वो दिखाई दे रहा होता है कि भैया अब वो फिर से जो है एक और लालच में आके दोबारा फंसने वाला है दूसरी लालच में कौन सा आया दीदी क्या बात कर रहे हो तो भाई जब वो आयरन मास्टर आए थे और उन्होंने बोला तो मेरा दोस्त है नील सोलभ तो ये मना कर देता मैंने तब भी से लालच आता है भाई बड़ा आदमी कुछ पैसे दे देगा तो ये भी उसका लालच था ठीक है और वो दोबारा फंस जाता है क्रिसमस नाइट क्रिसमस होता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल त्यौहार इसमें हमें बताया गया है जहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं अपने आप को रिफॉर्म करते हैं अपने आप को चेंज करते हैं तो क्रिसमस का नाइट एक चेंज पीरियड था रेटराफ सेलर के लिए जो वो चोरियाँ करता था जो वो झूठ बोलता था उससे सोचा मैं नहीं करूँगा एंड उससे उसने पैसे वापस कर दिए और वो जो है एक चेंज इंसान बन जाता है तो वो क्या क्या उन्होंने शो करा इसमें अ, दिसंबर नाइट प्रेजेंट फॉरेस्ट उसका जो इतना तूफान चल रहा था ये तूफान से आता है ना तो मतलब वो होता है आपको पहले ही अंदेशा दिया जा रहा है कि कुछ गलत होने वाला है तो उसको था कि बेटा तू फिर फंसेगा और ये फंस भी जाता है क्रिसमस नाइट उसके बचाने के लिए आई थी बस खदम बात आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिट एडला प्लेड विद हर फादर नॉट टू सेंड वेगर बाउंड अवे तो एडला क्यों कहती है इसको मेरे घर पर रख दो इसको खाना खिलाएंगे हम तो लाइक काइंड हार्टेड लड़की थी जब उसे रियलिटी पता चलती है पेडलर की तो उसको उससे सिंपथी हो जाती है शी न्यू दैट ही हैड नो होम और फैमिली उसे पता था ना घर है ना फैमिली है इसकी कोई जगह नहीं है पूरी दुनिया में जैसे ये आदमी अपना घर कह सकता है उसका टेंडर और काइंड नेचर की वजह से उसने अपने पापा को कहा कि पापा आप इसको आज रहने दो और खाना खाने दो वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय पेडलर तो एडला बहुत खुशी होती है उसके पेडलर का गिफ्ट देख के क्योंकि उसने क्रॉफ्टर के मनी भी रख दिया था ठीक है और साथ ही के साथ में एक छोटा सा रैट भी था और उस दिन पे वो वापस करके जाना मतलब ये था कि एडला को ट्रस्ट ब्रेक नहीं करा रैप सेलर ने उसने जो है मदद करी एडला की एडला को उस पापा उसको कैसे कह रहे थे कि बेटा और मदद करो लोगों की पता नहीं घर पे क्या क्या चोरी हो गया होगा बट जब पेडला वो पैसे भी रख गया और अपनी तरफ से भी एक छोटा सा गिफ्ट दे गया तो वो दिखाया कि एडला ने कुछ गलत नहीं करा उसपे ट्रस्ट करके वरना तो एडला ही गलत उसके पापा कहते ना हाँ लुटवा दिया तुमने हमार को क्या चोर को अपने घर पे रख लिया बट वो पैसे वापस करके जाना एडला को लगा कि ठीक है मैंने सही काम करा मैंने किसी को ट्रस्ट करके गलत नहीं करा ठीक है So, चलो आगे बढ़ते हैं वॉट वार द कॉन्टेंट ऑफ द पैकेज लेफ्ट बाय द पेडलर एज अ क्रिसमस गिफ्ट तो पेडलर लेफ्ट बिहाइंड अ पैकेट फॉर हेडला एक पैकेट छोड़ा था द पैकेट कंटेंट और रैट ट्रैप एक छोटा सा रैट ट्रैप था पैकेट में जो गिफ्ट था हमारी एडला के लिए थे अ लेटर ऑल्सो एक छोटा सा लेटर भी था और तीस करोड़ नोट थे इन हिज लेटर ही थैंक एडला फॉर हर काइंडनेस उसने उसको थैंक यू करता था काइंडनेस के लिए एंड हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी के लिए एंड हर हर एंड रिपेंटेड रिपेंटेड मतलब होता रिग्रेट करा हिज गेल्ट ऑफ स्टीलिंग ओल्ड क्राफ्टर्स मनी कि मैंने गलती करी क्राफ्टर की मनी चरा के एंड रिक्वेस्टेड हट टू रिटर्न टू द सेम टू द राइटफुल ओनर कि भैया जो उस पैसे का हकदार है यानी कि क्रॉफ्टअर अंकल उसे वापस कर देना ये था उसका कि विद दिस ये भी कंप्लीट होता है काइज अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ ने चैप्टर के मॉडर्न क्वेश्चन डिस्कस करेंगे